दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लव कुश व्लॉग्स में। मैं हूँ वर्षा बोरा और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि देहरादून में स्थित है। काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की और काफ़ी देश विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, क्यों प्रसिद्ध है यह मंदिर और इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर कैसे पड़ा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है टपकेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता और यहाँ ये जो आप इतनी सारी सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीधे टपकेश्वर महादेव मंदिर पर जाकर ख़त्म होती हैं। और सीढ़ियों के बाहर से ही आपको प्रसाद मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप 21 रुपए का, 51 रुपए का, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप प्रसाद बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह मंदिर देहरादून के गढ़ीकैंड नामक क्षेत्र में पड़ता है और मंदिर के पास से ही टोंस नदी गुजरती है। अगर हम बात करें टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास की, तो इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्य शिवलिंग है उस पर एक चट्टान से लगातार पानी की बूंद टपकती रहती है और इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। तो अब हम पहुँच चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार पर और इसके आगे ही आप देखेंगे कि यहाँ से ये टोंस नदी गुजर रही है और टोंस नदी के पार माँ वैष्णो देवी की भी एक गुफा है। तो अभी हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगी इस मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है यह मंदिर और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी इसी मंदिर में हुआ था। पुत्र के जन्म के बाद उनकी माता उन्हें दूध नहीं पिला रही थी तो द्रोणाचार्य जी ने भोलेनाथ जी से विनती की, जिसके बाद उन्होंने गुफा की छत पर कौथन बना दिए जिसकी धारा शिवलिंग पर गिरने लगी। इसके बाद से ही शिव जी का नाम दूधेश्वर नाम पड़ा। कलयुग में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया और इस कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तो अब हम चल पड़े हैं गुफा की ओर और आप देखेंगे कि मंदिर के आसपास काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियां हैं और सामने ही गणेश जी की मूर्ति है और यहां से शुरुआत होती है मंदिर की गुफा की। और मंदिर की गुफा की शुरुआत में ही आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे और ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज के कान में जो भी आपकी मनोकामना है अगर आप उसे बोलते हैं तो आपकी पूरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि भोलेनाथ जी की एक छोटी सी शिवलिंग यहाँ भी रखी हुई है और ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर का गर्भगृह। तो चलिए अब आपको टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है और यहाँ पर सब जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि चढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मंदिर में शिव जी को टपकेश्वर नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर दो शिवलिंग हैं जो कि इस गुफा में स्वयं ही प्रकट हुए थे और यहाँ पर शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। यह मंदिर टोंस नदी के किनारे स्थित है और द्वापर युग में इस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और शाम को यहाँ पर शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको और जगहों के दर्शन कराती हूँ और इस मंदिर में आपको सभी प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गणेश जी की मूर्ति और इस मूर्ति पे सिक्का चिपकाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इस गुफा में शिव जी की तपस्या के लिए आए थे और 12 सालों तक उन्होंने भोलेनाथ जी की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके अनुरोध पर वह इस मंदिर में लिंग के रूप में स्थापित हुए। लोक मान्यता के अनुसार द्रोणाचार्य को शिव जी ने इसी मंदिर में अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है।
काफ़ी सुंदर गुफा है ये, और इस गुफा के अंदर आकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और काफ़ी छोटी गुफा है ये, और अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भोलेनाथ जी के परिवार विराजमान है, और ये आप सामने देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था, सामने वहाँ लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर भी ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर भी ऊपर से पानी टपक रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं टोंस नदी की तरफ। यहाँ से नीचे जाएंगे और सामने ही आपको नज़र आने लग जाएगी टोंस नदी, और इसके पार ही माता वैष्णो देवी की एक गुफा है, उसके दर्शन भी कराऊंगी मैं आपको। यह मंदिर देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर कड़ी कैंट में स्थित है, और सावन में यहाँ पर मेला भी लगता है। और ऐसी मान्यता है कि सावन में जो भी इस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, और शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह मंदिर के अंदर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। टपकेश्वर महादेव मंदिर का द्वार सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और 1:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे माता वैष्णो देवी की गुफा में, और ये एक पुल बनाया गया है नदी के ऊपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने में। जाने वाले वैसे नीचे नदी के रास्ते भी जाते हैं, लेकिन हम ये पुल क्रॉस करके जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर नाग देवता विराजमान हैं, और ये हमेशा यहीं पर रहते हैं। तो अब हमने पुल क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से शुरू होता है माता वैष्णो देवी का द्वार। तो अभी हम गुफा के बाहर खड़े हैं, और गुफा के बाहर देखिए यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विष्णु भगवान जी शेषनाग पर विराजमान है माता लक्ष्मी जी के साथ। तो अब यहाँ से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की गुफा, और अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं माता वैष्णो देवी के। यह गुफा बहुत ही छोटी है, और थोड़ा सा झुककर जाना पड़ेगा आपको इसके अंदर, और एक बार अगर आप अंदर चले गए तो आप पीछे वापस नहीं आ सकते हैं। और जगह जगह यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा है। तो अब आपको दर्शन होंगे यहाँ पर दिव्य माता वैष्णो देवी के, और यहीं पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं। जय माता दी। और यहाँ पर गुफा ख़त्म होते हुए और यहीं से एग्ज़िट हो जाता है। तो अब हमने माता वैष्णो देवी के भी दर्शन कर लिए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप कभी भी अगर देहरादून आएँ तो प्लीज़ टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। हर हर महादेव।